नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर की तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कल भी एक नोटिफिकेशन आया था और आज भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर प्रकार की ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए। काले जेके स्टूडेंट देसी भाई के नाम से इंस्टाग्राम पेज जस्ट 2 मिनट्स पहले हमने स्टोरी लगाई। स्टोरी के मुताबिक आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या जानकारी है। जेके PSI रिटर्न एग्जाम को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर बॉर्डर बटालियंस बॉयज के रिटर्न एग्जाम को लेकर एक टेंटेटिव डेट जारी कर दी थी। लड़कों का रिटर्न एग्जाम सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में कंडक्ट कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बल्कि आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आपका अक्टूबर में ही कंडक्ट कराया जाना है। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन डबल कर सकते हैं। यानी कि सितंबर महीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, चाहे वो PG UG BEd के, और साथ में आप लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट जॉब और अग्निवीर के एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि यह अगस्त और सितंबर महीना मोस्ट एक्सपेक्टेड है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जम्मू डिविजन्स के खासकर। बाकी आप लोगों को जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए JKP सब इंस्पेक्टर री एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है। एडमिट कार्ड इसके सितंबर में जारी हो जाएंगे। डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएंगे जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था, दोबारा फॉर्म फिल नहीं होंगे, कोई फीस वगैरह नहीं देने पड़ेगी। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस सेम रहेगा। आपको बता दें कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 × 40 होगा और 1.25 का एक क्वेश्चन होगा। टाइम 2 घंटे का मिलेगा, जो सभी बच्चों को ऑलरेडी पता है, सिलेबस के बारे में पता है ना सबको। इसमें आपको बता दें कि सिलेबस में पैटर्न, यानी कि उसमें किस तरह का एग्ज़ाम आया था, एक डीपली आप लोगों को हम डिटेल में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप लोग स्टडी कर सकते हैं, क्या सिस्टम हो सकता है, कौन सी प्लानिंग के। इस बार जो मेरिट आप लोगों को बता दें कि उतना नहीं जाएगा जितना पहले गया था। पहले आप लोगों को बता दें कि पेपर जा JKSSB की तरफ से जो किया तक गया था स्कैम, उसके चलते मेरिट हाई लेवल पर गया है। इस बार इतना हाई लेवल पर नहीं जाने वाला। 7200 कैंडिडेट जो है वो रनिंग के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद रनिंग होगी। रनिंग के बाद फाइनल सिलेक्शन में 1200 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, यहाँ पर सोर्स LG है। LG द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है कि रिटर्न एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। फिलहाल आपके पास एक महीना है, आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बार कट ऑफ डाउन जाने की उम्मीद जताई जा रही है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो किसी भी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का जाएगा। किसी भी डिवीज़न से कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, किसी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। ये जो सब इंस्पेक्टर का मेरिट होता है, ये ऑल जम्मू कश्मीर वाइज UT कैडर का ये जाता है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। एक ऑफिशियल अपडेट है, JKSSB में तब्दीला हो गया है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय थे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें नए एम्प्लॉय आए हैं और ये अच्छे से काम करेंगे। अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई जो हुई है फिर उसी लेवल के दोबारा होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मेहनत करें। इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा और आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन भी होगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे उनका नंबर भी आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूज़ हम लगातार इस पे डाल रहे हैं स्टोरी में, कॉलेज JK स्टूडेंट देसी बॉय। इस बार आप लोगों को डीपली थोड़ा कंप्यूटर और आप लोगों को एक इंग्लिश और जो पैराग्राफ वगैरह हैं जो मेंटल एबिलिटी के हिसाब से एग्ज़ाम आया था, आप लोगों को पता है रेफरेंस का वगैरह ज़्यादा आए हैं, रेफरेंस कंटेक्स्ट ज़्यादा, और ये एक पैसे सिस्टम जो एग्ज़ाम आया था, यानी कि सारे के सारे आंसर जो है वो क्वेश्चन पेपर पर ही थे। बट एक समझने वाली बात होती है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम। चलो ठीक है, बाद में करेंगे बातचीत।